डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्चुअल पब्लिक स्फीयर हमने पिछले टॉपिक्स में बात की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर की और फिर इसका रिलेशनशिप मीडिया के साथ फिर हमने ये भी देखा कि मीडिया अब जो ट्रेडिशनल मीडिया है, वो, uh, जो है uh, 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 वो जो है एक हेल्दी पब्लिक डिस्कोर्स इंगेज करने की बजाय वो जो capitalist forces है जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है तो वर्चुअल पब्लिक अफेयर क्या है हम वर्चुअल पब्लिक फेयर को अगर हम सादा जुबान में कहें तो वो डिस्कशन जो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होती है आ, उसको हम वर्चुअल पब्लिक फेयर कहते हैं और द ग्रोइंग यूज ऑफ द इंटरनेट एंड रिलेटेड डिजिटल टेक्नोलॉजीज इज़ क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर नेटवर्किंग इंडिविजुअल्स इनेबल अ न्यू सोर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड अदर सेक्टर्स तो इट इज़ रेफर्ड एज वर्चुअल पब्लिक्स अफेयर मैन एवर वी टॉक अबाउट द वर्चुअल पब्लिक्स अफेयर वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेडिशनल पब्लिक अफेयर दैट इन वर्चुअल वर्ल्ड यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यू कैन इंगेज इन द डबेट यू कैन कम्युनिकेट विद अदर्स एंड डेलीबरेट विद अदर्स टू फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन तो इसकी हम जब बात करती हैं तो इस पर हमें आ, दो मुख्तलिफ राय मिलती हैं एक तो आ, जो ऑप्टोमिस्टिक ओपिनियन है और दूसरी तरफ आपका पैसिमिस्टिक ओपिनियन है ऑप्टमिस्टिक ओपिनियन ये है कि जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक वर्चुअल पब्लिक अफेयर में ट्रांसफार्म हो रहे हैं और जिससे जो है पॉलिटिक्स में एक नया ट्रेंड आया है कि लोगों की डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीफ स्ट्रांग हुई है उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ी है पॉलिटिकल इंगेजमेंट बढ़ी है और दूसरी तरफ पैसमिस्ट ओपिनियन है और उनका ये मानना है कि जस्ट लाइक द ट्रेडिशनल मीडिया ये जो सोशल मीडिया है ये भी एक तरह का टूल है फॉर द कैपिटलिस्ट एक्टर्स जो इसको यूज़ करते हैं फॉर द मैनिपलेन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन और जो हमें इंगेजमेंट नज़र आ रही होती है वो एक्चुअली गाइडेड इंगेजमेंट होती है और वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ कि हम जो है जो पॉपुलर पब्लिक डिस्कोर्स हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसको री करें तो ये एक ऑन गोइंग डिबेट है वर्चुअल पब्लिक अफेयर की कि क्या वाकई ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट बढ़ाते हैं या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं और क्या ये एक सिर्फ़ काइंड ऑफ स्पेस है जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस यूज करती हैं फॉर प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग देअर एजेंडा तो ये डिबेट अभी भी चल रही है इस पे दोनों राय मैंने आपको बता दी है एंड दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल पब्लिक सफेयर